हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटसाइड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले फूड कुकिंग मेथड्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम बात किया था फूड कुकिंग टेम्परेचर के बारे में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखा तो नीचे लिंक को क्लिक करें और उस वीडियो को देखें, जाने फूड कुकिंग टेम्परेचर के बारे में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले 15 कुकिंग मेथड्स के बारे में। सो देखते रहे इस वीडियो के एंड तक और जाने 15 कुकिंग मेथड। सो देयर आर द टॉप 15 कुकिंग मेथड: बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग, बारबेक्यूइंग, पैन फ्राइंग, शैलो फ्राइंग, स्टार फ्राई, डीप फ्राई, सियरिंग, सॉटिंग, बॉइलिंग, स्टीमिंग, पॉचिंग, स्टूइंग एंड ब्रेसिंग। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 15 कुकिंग मेथड्स। हम इन डिटेल्स एवरी कुकिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले आता है बेकिंग। बेकिंग के लिए हमें चाहिए होता है एक ओवन, जिसे हम टाइम और टेम्परेचर लगा के फूड को कुक करते हैं। इस मेथड में हम कुक कर सकते हैं पिज़्ज़ा, ब्रेड और कुकीज जैसे फूड को। रोस्टिंग के लिए चाहिए होते हैं रोस्टिंग ओवन, जिसके लोअर पार्ट में होते हैं इलेक्ट्रिक स्टोव, जो फूड को कुक करने में मदद करते हैं। इस मेथड में होल डक, होल चिकन या फिर पोक जैसे बड़े साइज की मीट को कुक किया जाता है। तो इसके बाद आता है ग्रिलिंग, जिसके लिए चाहिए होते हैं ग्रिलर। इस मेथड में फूड को हम डायरेक्ट फ्लेम के अंदर कुक करते हैं। डायरेक्ट फ्लेम लगने की वजह से फूड के आउट लेयर कुक होकर ब्लॉक होते, जिस वजह से अंडर की लिक्विड बाहर नहीं आ पाते। इस मेथड में कुक किया हुआ फूड की अंदर जूसीनेस बहुत ज़्यादा होते और फ्लेवरी भी, और इस मेथड में कुक किया हुआ फूड की न्यूट्रिएंट का क्वांटिटी भी सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले बारबेक्यू के बारे में। बारबेक्यू और ग्रिलिंग की मेथड क्वाइट सिमिलर है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन बारबेक्यू और ग्रिलिंग की, ग्रिलिंग के लिए हम डायरेक्ट हीट सोर्स यूज़ करते हैं, बारबेक्यू के लिए इनडायरेक्ट हीट सोर्स यूज़ किया जाता है, और बारबेक्यू को फूड को कुक करने के लिए लिड का भी यूज़ किया जाता है। दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन बारबेक्यू और ग्रिलिंग। पैन फ्राई, इसके लिए चाहिए होता है हमें एक नॉन स्टिक पैन। इस मेथड में फिश, चिकन और कटलेट को ऑयल और फैट की मदद से धीमी गति में कुक किया जाता है। स्लो फ्लेम में कुक होने की वजह से इसके आउट लेयर क्रिस्पी होते हैं। शैलो फ्राई एक ऑयल बेस्ड कुकिंग टेक्निक है। इस टेक्निक में हम नॉन स्टिक पैन या फिर रेगुलर पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड में पैन फ्राई से ज़्यादा ऑयल यूज़ किया जाता है। कटलेट और अदर स्नैक्स आइटम इस मेथड में मोस्टली यूज़ किया जाता है। इवन पोर्शन साइज चिकन और फिश का भी फ्राई किया जा सकता है। स्लो फ्लेम में और ऑयल की क्वान्टिटी ज़्यादा होने की वजह से इस मेथड में कुक किया फूड की टेक्स्चर और फ्लेवर में काफ़ी डिफरेंस आते हैं। इसके बाद आते हैं स्टार फ्राई। स्टार फ्राई को क्विक कुक प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस में फूड या मीट को बहुत जल्द कुक किया जाता है। मोस्टली इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्राइंग पैन या फिर ऑग जैसे इक्विपमेंट। हाई फ्लेम में शॉर्ट टाइम में कुक होने की वजह से स्टार फ्राई वेजिटेबल्स के अंदर एक क्रंचीनेस और मीट के अंदर जूसीनेस होते। तो इसके बाद आते हैं डीप फ्राई, जो बहुत ही बेसिक प्रोसेस होता है। इसके लिए हम मोस्टली चाइनीज हॉक या फिर इलेक्ट्रिक फ्रायर जैसे इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं। ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा होने के वजह से वेजिटेबल्स या फिर मीट कुक होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते। तो इसके बाद आता है सियरिंग। सियरिंग एक खास तरह का कुकिंग मेथड होते हैं, जो हमें मोस्टली देखने बहुत ही कम मिलते हैं। इस मेथड के लिए हम यूज़ करते हैं नॉन स्टिक पैन या फिर ग्रिलर जैसे इक्विपमेंट। इस मेथड में हाई टेम्परेचर में शॉर्ट टाइम में फूड को कुक किया जाता है। इस मेथड में कुक किया हुआ फूड की आउटलेयर क्रिस्पी और कुक होते हैं, पर इनसाइड ड्राई होते। मोस्टली इस मेथड के लिए हम बीफ की यूज़ करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं, बीफ को हम हाफ डन भी खा सकते हैं, तो इस मेथड के लिए बीफ की सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसके बाद आता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग और स्टार फ्राई का कुकिंग प्रोसेस सेम है। ओनली द डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिंग और स्टार फ्राई, के लिए जो वेजिटेबल्स या फिर मीट की यूज़ किया जाता है उसके साइज़ बड़े होते। सॉर्टिंग के लिए जो वेजिटेबल्स की यूज़ किया जाता है उसके साइज़ छोटे होते, और सॉर्टिंग के लिए हम मोस्टली मीन्स मीट की यूज़ करते हैं। सो दैट्स द ओनली डिफरेंस बिटवीन सॉर्टिंग और स्टार फ्राई। बॉइलिंग एक बहुत ही बेसिक और इजी कुकिंग मेथड है। इस मेथड पे उगलते हुए पानी में राइस, नूडल्स या फिर वेजिटेबल्स को कुक किया जाता है। स्टीमिंग को हेल्दी कुकिंग मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड के लिए चाहिए होते एक स्टीमर। स्टीमर के लोअर पार्ट में होते वाटर। हीट की वजह से पानी गर्म होकर स्टीम बनते हैं, जो फूड को कुक करने में मदद करते हैं। इस मेथड पे कुक किया हुआ फूड बहुत ही हेल्दी होते हैं। पॉचिंग और बॉइलिंग का मेथड क्वाइट सिमिलर होता है। ओनली द डिफरेंस कि पॉचिंग का हीटिंग टेम्परेचर 71-82 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। तो इसके बाद हम बात करने वाले स्टू प्रोसेस के बारे में। इस प्रोसेस में खास तरह के स्टॉक बनाया जाता है, जिसमें मीट को डाल के धीमी गति में लॉन्ग टाइम तक कुक किया जाता है।
धीमी गति में लॉन्ग टाइम तक कुक होने की वजह से मीट के टेक्सचर और फ्लेवर में चेंजेस होते। तो लास्ट जो कुकिंग मेथड है वो है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग एक बेसिक कुकिंग मेथड होते हैं जो मोस्टली होम फूड के लिए यूज़ किया जाता है। इस मेथड में लिक्विड और मीट की क्वांटिटी सेम होते हैं और आफ्टर कुक लिक्विड को भी फूड का साथ में सर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे 15 कुकिंग मेथड के बारे में। होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा। अगर कुछ क्वेश्चन आपके मन में है तो आप लिख सकते हो मेरा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।